Let's read the chapter. There was a boy and his dog running and rolling and chasing in a field. Means this story is basically two friends. One was a boy and second was his dog. They were best friends, and third one was an alien. So what happens? They were fighting in the fields, they were playing in the fields, and they see an alien. And by mistake, that dog ate the alien. And what happens then? The aliens commanded the dog to kill his owner, to kill his friend. So what happens in this? Let's see and let's read the chapter. So there was a boy and his dog running and rolling and chasing in the field. एक बार एक लड़का होता है और उसका एक डॉग होता है, वो एक फील्ड में, खेतों में चेज कर रहे होते हैं, दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं और रनिंग कर रहे होते हैं. There was a spaceship hurtling through space. Most of its crew already dead and the rest fighting to land on a strange planet. उस समय क्या होता है, एक स्पेसशिप जो होती है नीचे उतर रही होती है, वो तेजी से नीचे गिर रही होती है. हर्टलिंग का मीनिंग होता है गिरना, टू फॉल. और जो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं, जो स्पेसशिप पे सवार होते हैं, उसमें से ज्यादातर मर चुके होते हैं, डेड हो चुके होते हैं, और बाकी अब वो जो बाकी रह जाते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर यू नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग. Some lines are written here in italic letters. So you need to understand here, these italic letters are quotations of that alien, right? Second paragraph. The boy's name was Billy. Us boy ka naam kya tha? Billy tha. He was 9. Wo 9 saal ka tha. His dog was called Scum. Aur uske dog ka naam kya tha? Scum tha. It was young too. वो डॉग भी यंग था, जिस तरह बिली यंग था, 9 साल का था, उस तरह वो डॉग भी यंग था. So we can understand two persons are here. One is boy and second is a dog. And boy name was Billy and his dog name was Scum. Yes. Billy shouted, "Devil dog!" and chased Scum until he was tired out. तो बिली क्या करता है, उसके पीछे भाग रहा होता है, उसको बोलता है शैतान कुत्ते, शैतान डॉग, और वो उसको पीछा करता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता. Then they sat down together. फिर वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं जब वो थक जाते हैं. Side by side in the evening shadows. जैसे ही इवनिंग की शेडो होती है, धूप हटने लगती है, तो उस शेडो में वो बैठ जाते हैं दोनों थके. When they had got their breath back, Billy shouted, "Devil dog!" and chase started all over again. जैसे ही वो उनको यानी कि उसकी जो हाफना बंद हो जाता है उन दोनों का, उनकी वो सांस अच्छे से ले पाते हैं, तो दोबारा उसको कहता है devil dog, और वो फिर एक दूसरे का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं. In the spaceship, the captain contacted the engineer. Report. The engineer barked, "I want your report. Make your report." So, उस जो स्पेसशिप होती है, उस स्पेसशिप में जो कैप्टन होता है, वो कहता है अपने इंजीनियर को कि मुझे रिपोर्ट दो. इंजीनियर को कहता है कि फटाफट रिपोर्ट दो. कैप्टन इस तरह बोलता है, भोकता है वो, और फिर वो रिपोर्ट देता है कि मुझे कहता है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए. Then the engineer spoke, "It is no good, Captain. It is no good. We all just hit, Captain. We are going to crash." तो जो उस स्पेसशिप का कैप्टन होता है, वो उसको रिपोर्ट करता है. वो अभी स्पेस में ही होते हैं. तो ये जो इटैलिक वर्ड्स लिखे गए हैं, ये उस एलियन की वर्डिंग्स हैं. तो आपने समझ लेना है, जो कुछ इटैलिक लेटर्स में लिखा गया है, वो सब कुछ उस एलियन की वर्डिंग है. Then that engineer said that कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है, हम ओके नहीं है, हम क्रैश करने वाले हैं, हम हिट करने वाले हैं अर्थ से. तो ऐसी वो रिपोर्ट करते हैं इंजीनियर उस स्पेसशिप का, राइट.
Next, seconds later, the ship checked so violently that the captain fell over. तो उसके बाद क्या होता है? The ship ब्रेक लगाती है बहुत तेजी से और उसके बाद बहुत ही जोर से बहुत ही आवाज आती है उसमें से और कैप्टन उसमें से उस शिप में से गिर जाता है. He got up only to notice that the engineer's light had died, which meant that the engineer had died. He was quite alone. फिर वो जो कैप्टन होता है वो थोड़ी देर के लिए उठता है इस बात को नोटिस करने के लिए जैसे ही उस शिप में से बाहर गिरता है देखने के लिए कि उस इंजीनियर की लाइट वो है वो ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है उसमें से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही क्योंकि लाइट ना आने का मतलब है कि वो इंजीनियर भी डाई हो गया है वो इंजीनियर भी अब मर गया है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है क्योंकि वहां पे अब उसकी कोई लाइट नहीं आ रही होती है. He switched off and began to fit himself into the crash bowl cocoon. तो वो क्या करता है वो जो एलियन होता है वो कैप्टन जो होता है उस स्पेसशिप का उसमें से बाहर निकलता है स्विच ऑफ करता है और अपने आप को फिट करना शुरू कर देता है. वो अपने आप को एक जो बोल होती है क्रैश बोल होती है एक ककून के शेप की जो बोल जो होती है उसमें अपने आप को फिट करना शुरू कर देता है ताकि वो इस जो प्लेनेट पे आके गिर गया है इसमें अपने आप को बचा पाए किसी भी मुसीबत से. ही प्रेस्ड अ बटन एंड पैडेड आर्म्स इनफोल्डेड हिम. फिर वो क्या करता है वो एलियन क्या करता है एक बटन को प्रेस करता है और एक पैडेड आर्म का मतलब होता है जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट में पैरों पे पैड लगाते हैं किसी से भरी हुई कोई चीज होती है उसको बोलते हैं पैडेड. एक पैडेड आर्म जो होती है वो बाहर निकलती है और उसको इनफोल्ड कर देती है यानी कि उसको लिपेट लेती है उसको फोल्ड कर लेती है. अ लिटिल ट्यूबुलर स्नेक लीप्ड फ्रॉम अ पैडेड होल एंड लैच्ड इटसेल्फ टू अ सॉकेट नियर हिज नेक. तो एक ट्यूब की बनी हुई उसमें से स्नेक बाहर निकलता है उसकी जो पैड्स होते हैं और उसमें से वो उसको बंद कर लेते हैं उस सॉकेट को बंद कर लेते हैं उसकी नेक के पास से जिस तरह हम जैसे दरवाजे के पास लैच्ड कर लेते हैं ना एक चिटकनी लगा देते हैं तो वहां पे वो जो स्नेक होता है ट्यूबलेस स्नेक होता है वो उसको वहां से नेक के पास से बंद कर लेता है उस एलियन को. हिज क्लोथ बिगन टू स्वेल देन द वॉल्स ऑफ ककून सून ही वाज कंप्लीटली encased in a puffy softness pressing lighter and lighter. तो उसके बाद क्या होता है वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उस ककून के अंदर जाता है उसकी जो बॉडी स्वेल करने लगती है यानी कि उसके सारा कुछ फूलने लगता है और जो ककून की जो दीवारें होती हैं वो भी अब स्वेल करने लगती हैं फूलने लगती हैं और वो उसके अंदर अपने आप को उस सॉफ्ट से ककून के अंदर अपने आप को कैद कर लेता है बंद कर लेता है. राइट नेक्स्ट ही वेटेड फॉर द स्टाब. वो एक स्टाब की वेट करता है एक चोट की वेट करता है. वो चोट क्या होती है आगे समझेंगे. It came. The needle darted into one of the captain's veins. फिर क्या होता है एक needle, एक सुई को हम बोलते हैं एक needle, तो captain की veins में आके चुभ जाती है. इसी stab की वो wait कर रहा होता है, इसी चुभन की वो wait कर रहा होता है. A drug entered his bloodstream. Almost immediately he felt drowsy and comfortable. तो उसके blood के अंदर, blood stream के अंदर एक drug पहुंच जाता है. एक मेडिसिन पहुंच जाती है और इमीडिएटली वो ड्रोजी फील करने लगता है एक सुस्त सा महसूस करने लगता है और अपने आप को आरामदायक फील करता है यानी कि उसको लगता है कि अब मैं कंफर्टेबल हूं अब मैं बिल्कुल आराम से. द सेम नीडल वाज कनेक्टेड टू अ होल जंक्शन ऑफ टीनी ट्यूब्स फिल्ड विद हिज ओन ब्लड एंड प्लाज्मा विद पेन किलर्स एंड अदर लाइफ गिवर एंड लाइफ एडजस्टर्स इवन विद पेनलेस डेथ. तो वहां पे बहुत सारी और ट्यूब्स होती हैं जिसमें नीडल्स लगी होती हैं पूरा जंक्शन होता है उन ट्यूब्स का और उन ट्यूब्स में उन नीडल्स में उनके ब्लड का उसका ब्लड होता है ब्लड का प्लाज्मा होता है पेन किलर मेडिसिन भी होती हैं लाइफ गिवर मेडिसिन भी होती हैं और ऐसी मेडिसिन ऐसी उसके अंदर ड्रग्स भी होते हैं जिससे उसको पेनलेस डेथ भी मिल जाए यानी कि उसकी मौत हो जाए मृत्यु हो जाए परंतु उसको कोई दर्द ना आए. तो इस तरह की बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं उस जंक्शन के अंदर. In the control center, the screens showed a green and blue planet with seas and clouds and land masses coming near all the times. जो स्क्रीन लगी होती है उस शिप के अंदर वो बार बार ये शो करती है कि
हम किसी ऐसे प्लेनेट पे आ गए हैं जो ब्लू है, जो ग्रीन है, क्योंकि जो हमारे सीज हैं वो हमारे ब्लू दिखाई देते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, हरियाली होते हैं, वो ग्रीन दिखाई देते हैं, और क्लाउड्स जो हमारे व्हाइट दिखाई देते हैं। तो वो इस तरह की चीजें शो करता है उस शिप के अंदर जो स्क्रीन लगी होती है, वो ही हमें बताती है कि ये जो प्लेनेट है वो ग्रीन है और ब्लू है, व्हाइट। The boy whistled for his dog. Here, boy, he commanded and whistled again. वो अपने डॉग को विसल करके बुलाता है कि इधर आओ मेरे बॉय, इधर आओ मेरे बच्चे। इस तरह वो उसको बुलाता है बॉय अपने उस डॉग को। स्कैम प्रेंस्ड टुवर्ड्स द बॉय, जो स्कैम होता है अब उस बच्चे की तरफ आता है। बीइंग सिली ही वांटेड टू मेक बॉय लाफ बट द बॉय वाज सोलेमन। तो एक सिली बनकर, एक मूर्खता वाला बिहेव करके वो डॉग, वो स्कैम्प उसके पास आता है। जैसे ही वो लड़का उसको, उसका फ्रेंड उसको बुलाता है, बिली उसको बुलाता है, तो वो एक मूर्खता वाला बिहेवियर करके उसके पास, ताकि वो अपने फ्रेंड को, अपने उस बिली को हंसा पाए। परंतु बिली सोलोमन बना रहता है, एक समझदार पर्सन बना रहता है, वो नहीं हंसता, वो सीरियस रहता है। ही वॉज प्राउड ऑफ हैविंग सच अ वेल ट्रेनड डॉग। वो प्राउड करता है कि मेरा डॉग कितना वेल ट्रेनड है, मेरे बुलाने पर वो आ जाता है। गुड ओल्ड स्कैम्प, he said gravely, to usne bilkul serious hoke kaha usko, good old scam. A minute later the boy and the dog were wrestling in the grass. Ek minute pehle wo dono hi, wo boy aur wo dog, wrestling kar rahe hote hain, lad rahe hote hain us grass ke andar, right? Again you can see that some italic words are there, so these words are the quotations of that alien. The ship entered earth's atmosphere. Its metal skin now drove against air instead of space. अब जो वो ship होती है वो earth के atmosphere में enter कर जाती है, उसका जो metal की skin होती है अब वो वहाँ पे उस atmosphere में वो drive कर रही होती है, right? Next on the come on the next page, page number 101. The ship screamed. Its metal skin changed color and in places glowed dull red with the heat. तो जब जैसे वो ship जो होती है नीचे उतरती है, वो screamed करती है, चिल्लाती है, और उसकी जो metal की skin होती है वो change होने लगती है, red एक heat की वजह से red, dull red color में change होने लगती है. The boy and the dog stopped their wrestling match and looked about them. वो लड़का और वो डॉग अपने उस रेसलिंग मैच को, उस लड़ाई को रोक देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। यू हर्ड इट, इट वेंट शॉर्ट ऑफ वूश, बिली सेड टू स्कैम, वूश स्कैम फ्लिक्ड हिज हेड साइडवे टू एक्नोलेज हिज मास्टर वर्ड्स, बट वेंट ऑन स्टेयरिंग एट द डार्क कॉर्नर ऑफ द ट्रीज। जैसे ही उसका वो अपनी रेसलिंग को रोकते हैं, बिली उसे कहता है, स्कैम्प को कहता है कि तुमने इस तरह की वूज की कोई साउंड आवाज सुनी है? जैसे ही वो डॉग उसके अपने मालिक की बात सुनता है, अपने फ्रेंड की बात सुनता है, उस बात को पक्का करने के लिए वो अपने बिल्कुल अपने सिर को एक तरफ मोड़ लेता है झटके से कि आवाज कहाँ से आ रही है, इस बात को कन्फर्म करने के लिए। परंतु फिर भी वो एक डार्क, उसको लगता है कि जो डार्क कॉर्नर है ट्रीज का, वहां से वो आवाज आ रही है, वो उस तरफ देखता रहता है। स्कैम्प हैड हर्ड द नॉइस, फिर वो स्कैम्प को नॉइस सुनाई देती है। ही डिड नॉट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट ही न्यू वेयर इट लेड। ही मार्क्ड द प्लेस विद हिज नोज एंड माइंड ओवर देयर बाय द डार्क ट्रीज। उसको ये नहीं पता होता किस चीज से वह आवाज आ रही है, परंतु उसको ये पता लगता है कि कहाँ से वो आवाज लीड कर रही है, कहाँ से वो आवाज आ रही है। सो वो अपने नोज से और अपने माइंड से उस जगह को मार्क करता है, उस जगह को देखता है कि मुझे अब कहाँ जाना है, भाग कर कहाँ पहुंचना है उस चीज, आवाज को देखने के लिए। तो वो डार्क ट्रीज हो रहे होते हैं, जो ट्रीज डार्क होते हैं, अंधेरा सा होता है वहां पे, तो उसकी तरफ वो नजर करता है, उसको लगता है कि वो आवाजें वहां से आ रही है, राइट। देन अगेन यू कैन सी इटैलिक वर्ड्स आर देयर। सो दैट्स व्हाट इट इज लाइक, सेड द कैप्टन। He had never before experienced a crash landing. He waited for the needle to deliver
whatever his body needed. While he waited, he made his mind think and plan. तो उसने इस तरह का एक्सपीरियंस, उस कैप्टन ने क्रैश होने का एक्सपीरियंस कभी नहीं फेस किया था अपनी लाइफ में, तो उस नीडल के इंजेक्शन की वेट करता है और अपने माइंड में प्लान बनाता है, सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं क्रैश कर रहा हूँ, मैं मेरा जो शिप है मेरी क्रैश कर रही है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कभी ऐसा पहले नहीं फेस किया। तो ऐसे अपने आप से वो बातें करते हैं। कॉन्क्वेस्ट, हिज माइंड सेड, आई एम अलोन बट आई एम स्टिल हियर एज ए कॉन्क्यूरर, आई विल कॉन्क्यूर दिस प्लैनेट। वो कहता है, वो अपने आप से बातें करता है, वो कहता है कि अब मैं जीतूंगा, अब मैं विजेता बनूंगा, मैं जीत हासिल करूंगा, मैं अकेला हूं फिर भी मैं इसको जीत सकता हूं, इस प्लेनेट को जीत सकता हूं। वो ऐसा अपने आप को कहते हैं, इफ देयर इज अ रूलिंग स्पीशीज ओन दिस, अगर यहाँ पे की रूलिंग स्पीशीज है यानी कि कोई इस तरह की जाति है जो रूल करती है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ कहता है प्लेनेट, आई विल इन्वेड अ क्रिएचर ऑफ दैट स्पीशीज एंड दस बिकम रूलर ऑफ ऑल। तो अगर कोई यहाँ पे स्पीशीज रहती है, कोई जाति रहती है, कोई मानव जाति रहती है, तो मैं उन पे हमला करूंगा, तो मैं उनके क्रिएचर्स पे हमला करूंगा और उन पे रूल करूंगा, यहाँ का रूलर बन जाऊंगा, यहाँ का शासक बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। वो अपने आप से ऐसा प्रोमिस करता है, अपने आप को ऐसा कहता है वो एलियन। द न्यू कॉन्क्यूरर ऑफ प्लैनेट अर्थ प्रेस्ड द रिलीज कंट्रोल। तो जो न्यू कॉन्क्यूरर होता है, न्यू विजेता होता है, यानी कि वो जो एलियन होता है, वो एक बटन को प्रेस करता है, फ्लिक्स हिज लिम्स, अपने जो अंग होते हैं, उसके पैर हाथ जो होते हैं, उसको स्ट्रेच करता है, खींच लेता है, टेस्टेड हिज ऑर्गन्स एंड सेंसेस, अपने सभी ऑर्गन्स को और सेंसेस को वो टेस्ट करता है, ओपन द मेन डोर्स, और उस ककून का मेन डोर, उस शिप का मेन डोर वो ओपन करता है अब उस अर्थ पे आने के लिए, सब कुछ बाहर फेस करने के लिए कि क्या हो रहा है देखने के लिए, एंड स्टेप्ड फोर्थ, और उससे बाहर निकलता। बिलीज मदर वॉज कॉलिंग टू हिम फ्रॉम द हाउस, बिली यू कम होम नाउ आइल। तो उस समय बिलीज की मदर क्या कर रही होती है, बिलीज को बुला रही होती है, उसको आवाजें लगा रही होती है कि बिलीज अब तुम आ जाओ, अदरवाइज मैं ये कर दूंगी, आगे लिखा नहीं हुआ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? इट इज काम, ही वोंट कम। तो वो कहता है कि ये स्काम है जो नहीं आएगा, वो कहीं चला गया है, मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। शाउटेड बिलीज फ्यूरियसली, तो ऐसे गुस्से में कहता है बिली, ऐसे कहता है कि स्काम है जो नहीं आएगा, वो कहीं गुम हो गया, एंड ही वुडंट, और वो भी नहीं आएगा। वो ऐसे कहता है कि स्कैम्प नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा। बिली कुड सी स्कैम्प रनिंग अप एंड डाउन बाय एजेस ऑफ ट्रीज। उस समय बिली क्या था, उन स्कैम्प को देख सकता था वहां पे, वो क्या हो रहा है, वो यानी कि उस जो ट्रीज के एजेस थे वहां पे उस स्कैम्प को देख सकता था कि वो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोई डॉग जंप यानी कि रन करता है तो उसकी जंपिंग भी दिखाई देती है। The dog's ears were pricked. उसके जो ears थे बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे। His tail was held high. उसकी tail भी जो बिल्कुल high held हो गई थी, बिल्कुल वो भी सीधी हो गई थी। His body alert. उसकी body बिल्कुल alert हो गई थी। He just wouldn't obey. और ऐसा लग रहा था कि अब वो obey नहीं करेगा। So dear students, please wait a while. Let me take your attendance. Okay, so some difficult words are here. First word is that hurtling, falling with great speed and force. किसी चीज का नीचे गिरना पूरी स्पीड के साथ. Next, barked, spoke in loud and anger manner. कुछ भोंकना, loud manner में, anger manner में. Checked, braked, means like brake लगाना, as we do with bikes and with cars. Encased, covered as if in a case, किसी केस में किसी चीज को कवर कर लेना. Darted, thrust or moved suddenly, कोई चीज एकदम से अचानक से आ पड़ना, that's called darted. Frenzied, move in a lively manner, means lively manner, frenzy का मतलब होता है आना, move करना. Flicked, move in a short quick movement. Flexed, stretch, अपने आप को stretch करना, खींचना. Alert, attentive, ready, right? So these were the difficult words of this chapter. Now please come on the next chapter. So in next page, we are not on the next chapter.
Okay. The captain helmet indicators red save. जो कैप्टन के हेलमेट, कैप्टन एक हेलमेट पहना हुआ था, उसका जो सिर था उसने वो इंडिकेट किया, उसने रीड किया कि सेफ है सब कुछ, उसने बताया ऐसे. सो द प्लैनेट एयर वाज ब्रीदेबल. उसने बताया, उस हेलमेट ने बताया उस एलियन को, जो उसका प्लैनेट है उसकी जो एयर है वो ब्रीदेबल है, यानी कि उसमें सांस लिया जा सकता है. नेवरदलेस ही केप्ट हिज हेलमेट ओन. उसके बावजूद भी उसने अपने उस हेलमेट को, उसने अपने सिर को ओन रखा. ही वाज ग्लैड टू बी प्रोटेक्टेड. वो बहुत खुश था इस बात से कि वो सेफ है वहां पे, प्रोटेक्टेड है विद अ स्पेशल हेलमेट एंड आर्म्ड सूट. और जो उसका सूट है, आर्म्ड सूट है, यानी कि जो उसका हथियारों वाला जो सूट है, और उसकी वजह से वो सेफ है, इस बात को समझ कर वो खुश था. इफ द कैप्टन्स नर्व्स मसल्स मूवमेंट्स सेड रन द सूट वुड रन एंडलेसली. अगर उस कैप्टन की नर्व्स या मसल्स या मूवमेंट्स उसे कहेंगे, उस सूट को कहेंगे कि भागो, तो वो एंडलेसली अंत तक वो उसके सूट उसको हेल्प करेंगे उसको भागने में, यानी कि उस सूट की वजह से वो भागता रहेगा. द सूट वुड कीप इफ द कैप्टन बॉडी सेड क्लाइम द सूट वुड कीप क्लाइंबिंग फॉर हिम. अगर कैप्टन की बॉडी कहेगी कि क्लाइम करो, चढ़ो किस चीज पर, तो वो जो सूट उसने पहना हुआ है उसकी हेल्प करेगी सूट वो उसको क्लाइंब करने में, यानी कि वो क्लाइंब कर पाएगा. Now was the time the captain realized to climb. ये अब समय आ गया था कि कैप्टन को रियलाइज हुआ कि अब मुझे चढ़ना चाहिए. A vast green trunk sprang from the soil very near him. तो बहुत ज्यादा वहां पे sprang थे soil के, वहां पे जो वहां पे वो खड़ा था. It was right size and shape and it had projects ideal for climbing. He clasped his limbs around his trunk. The suit took over and climbed him towards the dark blue sky away from the spaceship with its cargo of the death. Dear students, now I think it's a high time to end this class because